हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां पे आप गोल्ड और सिल्वर को बिना होल्ड किए फिजिकली होल्ड किए इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक ई टी एंड गोल्ड बॉन्ड्स साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इंडिया में ट्रेडिशनली होती हुई आ रही इन्वेस्टिंग है इन दोनों ही कॉमोडिटीज में

ट्रेडिंग टाइप की जहां पे आप गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना फिजिकल फॉर्म में होल्ड किए दैट आर ईटीएफ पहले समझते हैं क्या होते हैं बेसिकली टी आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो आपको लाइव ट्रेडिंग में जैसे कि कोई आप स्टॉक बाय या परचेस करते हैं वैसा ऑप्शन देते हैं गोल्ड के रियल टाइम प्राइसिस पे इन्वेस्ट करने का राइट right? आप यहाँ पे देख सकते हैं इट कैन बी अ टाइप ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली जैसे अगर आपके पास निफ्टी फिफ्टी का अगर ई है विच मीन्स आप निफ्टी फिफ्टी की पचास कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं बाय बाइंग दैट वन पर्टिकुलर ई ये कमोडिटीज़ में एक पर्टिकुलर कमोडिटी का भी हो सकता है जिसमें हम गोल्ड बीस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली या सिल्वर बीस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बाद आप उन पर्टिकुलर कॉमोडिटीज़ को लाइव ट्रेडिंग की तरह ट्रेड कर सकते हैं अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, तो आप देख सकते हैं ये आपके स्टॉक्स है जैसे कि जोमैटो हो गया पी हो गया के हो गया तो यहाँ पे सिमिलरली सिल्वर बीस का जो लाइव ट्रेडिंग सेशन का ई है वो आपको अपने डी अकाउंट में देखने के लिए मिलेगा दिस इज सिल्वर बीज अंडर बाय द नेम ऑफ निपॉन ए एंड सिमिलरली there are others like xsbs then there are other like b's which do the same kind of investing and they invest in the gold bs or the gold investments they do right similarly there is for silver similarly there is for gold and for other commodities as well so this is one kind of investment and other kind of investment is putting your money in the sovereign gold bonds the securities or the bonds which comes in

और यू कैन से वेरी गुड को रिलेशन वेन एवर देयर इज़ अ ड्रॉप इन द इंटरेस्ट रेट हाइक जो हमारे गोल्ड के प्राइसेस है वो आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं राइट ये माना जाता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो ऐसे सिचुएशन सामने आती है कि जो कंपनीज होती है जो लार्ज इन्वेस्टमेंट बॉडीज़ होती है वो अपना पैसा निकाल के गोल्ड जैसी कमोडिटीज़ में या फिर आपके जो बॉन्ड्स होते हैं राइट right? जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है और सेफ इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे पैसा लगाना प्रेफर करती है सिमिलरली जो मेजर डिटरमाइन होता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस का वो पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल होता है बट देर इज अ बिलीव ओके देर इज अ बिलीव दैट देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट एंड गोल्ड प्राइसिस ये आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है बट ऐसा माना जाता है बट अब इंटरेस्ट रेट प्राइस जो कम होंगे इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको गोल्ड में होता हुआ दिखाई दे सकता है जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट पे भी ये जो ब्लू लाइन है ये यूएस के इंटरेस्ट रेट की लाइन है और जब भी यूएस के इंटरेस्ट रेट्स कम होते हुए है आपको गोल्ड के प्राइस में एक काफ़ी अच्छा सर्च देखने के लिए मिलता है सिमिलरली एट प्रेजेंट सिनारी जो इंटरेस्ट रेट्स है यू में दैट हैज़ पीकड आउट और दैट हैज़ बीन ऑन द टॉप मोस्ट लेवल फॉर क्वाइट सम टाइम एंड देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि यहाँ से आपको ये जो ब्लू वाली लाइन है यूएस के इंटरेस्ट रेट की वो कम होते हुए दिखाई दे सकती है और ये जो गोल्ड प्राइसेस है यहाँ से फर्दर शॉर्ट अप कर सकते हैं ना व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वन देर इज़ अ दिस काइंड ऑफ रिलेशन और दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हावएर टेक्निकली भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये जो आप देख रहे हैं 2012 का गोल्ड का प्राइस फ्यूचर का right? तो राइट इट ऐसा मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल रहा है गोल्ड के फ्यूचर प्राइस में एट प्रेजेंट पॉइंट राइट सिमिलरली अगर मैं आपको इसके चार्ट लेके जाता हूं तो ये है गोल्ड का चार्ट जो मैंने मंथली कैंडल स्टिक्स पर लगा रखा है और आप देख सकते हैं दो हज़ार ट्वेंटी ट्वेंटी में ये पर्टिकुलर स्टॉक ड्यूरिंग द कोविड वेन एवरीथिंग वॉज फॉलिंग गोल्ड पिकड आउट और वहाँ से गोल्ड ने करेक्शन किया काफ़ी टाइम तक एक पर्टिकुलर जोन में ट्रेड किया और मंथली कैंडल स्टिक पे मंथली चार्ट पे एक काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देते हुए हमें दिखाई दिया है राइट right, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा यहाँ पे एक पूरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न था इसे यहाँ पे कट करके ऊपर जा चुका है और फर्दर यहाँ पे 55 का जो इसने शॉर्ट टर्म पे एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बनाया था बॉक्स पैटर्न बनाया था उसे ये ब्रेकआउट दे चुका है राइट लेट मी डू इट ऑन अ वीकली बेसिस बिकॉज इट इज़ वेरी इट इज़ हाईली लिक्विड और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये है वो पैटर्न जहाँ से ये पर्टिकुलर कमोडिटी अभी बाहर आते हुए आपको दिखाई दी है राइट right? एंड देर इज अ व व वेरी गुड चांस कि यहाँ से ये पर्टिकुलर जो गोल्ड के प्राइसिस हैं फर्दर शॉर्टअप हो सकते हैं अगर यूएस अपने फेडरेट अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है सिमिलर एक्शन आपको यहाँ पे सिल्वर बीज में आता हुआ दिखाई दे सकता है हाउ एवर द गोल्ड हैज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट बट सिल्वर में अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है राइट right? और जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर कमोडिटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रहे हैं आई बिलीव देयर इज अज एक्यूमुलेशन ट ले राइट कभी भी अगर आपको सिल्वर बीस का जो ई टी एफ है वो सिक्सटी फाइव या आस पास मिलता है दैन देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू अक्यूमुलेट दिस राइट दिस इज माई पर्सनल बिलीफ एंड आई एम पर्सनली थिंक दैट सिल्वर हैज मोर पोटेंशियल एंड मोर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज एंड यूज केसेस टू डू अ वेरी नाइस ब्रेकआउट फ्रॉम द लेवल अब सेवेंटी सिक्स पॉइंट टू सेवन रुपीज अगर यहाँ से यहाँ से अगर आपकी सिल्वर में ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही जल्द आपको इस पर्टिकुलर ई टी एफ में रफली ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट का रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है सिमिलरली गोल्ड की मैं अगर बात करूं तो अगर गोल्ड में एट करेंट लेवल जहां पे ब्रेकआउट हो चुका है यहां पे भी अगर आप एक स्टार्ट करते हैं तो फर्दर आपको 18 टू 20 परसेंट का रिटर्न गोल्ड बीज में भी देखने के लिए मिल सकता है ये दोनों ही कमोडिटीज का अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाऊं तो लेट मी कन्वर्ट इट टू वन मंथ एंड सिमिलरली आई विल कन्वर्ट इट इन टू वन मंथ राइट और यहाँ पे ज़्यादा डेटा प्रेजेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिल्वर ई टी एफ लेट चेक द गोल्ड ई टी एफ येस द गोल्ड ई टी एफ हैज़ गिवन यू एक्सपोनशियल रिटर्न सिंस टू थाउजेंड एट राइट अगर मैं टू थाउजेंड एट से बात करूँ तो ये पर्टिकुलर जो आपका बॉन्ड जो आपका ई टी एफ है वो आपको पाँच सौ प्रतिशत के रिटर्न दे चुका है इन स्पैन ऑफ लेट्स से टू थाउजेंड एट रफली सिक्सटीन ईयर्स में आपको पाँच सौ प्रतिशत के रिटर्न मिल गए हैं विच मेक्स इट्स अ वेरी गुड एसिड क्लास टू इन्वेस्ट इन हाउ एवर जो पेन आपको देखने के लिए मिलता है गोल्ड के रिस्पेक्टिव में या कमोडिटीज के रिस्पेक्टिव में वो काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड तक हो सकता है या आपको ऐसा भी हो सकता है कि कई सालों तक रिटर्न ही ना मिले आप देख सकते हैं ये टू थाउजेंड ट्वेल्व का 2012 का चार्ट है 2012 में जो अपना गोल्ड प्राइसेस था वो 31.4 के आसपास चल रहा था 0.01 ग्राम के हिसाब से और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पर्टिकुलर जिस इंसान ने 2012 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया था फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स और फॉर रफली अराउंड सेवन सेवन ईयर्स द गोल्ड प्राइसिस नेवर क्रॉस दैट हाई मार्क और ये इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी स्लो मूविंग है और काफ़ी टाइम लेती है आपके मनी को अप्रिशिएट करने में इन टर्म इन अगेंस्ट स्टॉक्स राइट इन अगेंस्ट क्रिप्टोज विच आर वेरी वेरी हाईली वॉलटाइड राइट अगर गोल्ड और सिल्वर में फॉल आता है अगर गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आती है दैट डजेंट लास्ट लॉन्ग बट एंड इट इज नॉट इवन वेरी ग्रेव ओके जो करेक्शन होता है वो आपको मैक्सिमम दस बीस परसेंट का देखने के लिए मिल सकता है बट इन स्टॉक मार्केट अगर करेक्शन आता है या किसी स्मॉल या मीडियम कैप के स्टॉक्स में करेक्शन आता है तो आपको स्टॉक्स दस दिन में चालीस पर परसेंट तक गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं विच इज ने गोइंग टू बी द केस विद गोल्ड एंड सिल्वर विच इज वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अस्टेनेबल टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग यहाँ पे जो गोल्ड की वैल्यू है जो सिल्वर की वैल्यू है वो टाइम टू टाइम अप्रीशिएट होती जाती है यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है राइट right? जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे काम नहीं आते हैं द प्राइस इज प्योरली ड्रिवन बाई डिमांड एंड सप्लाई विच इज़ बाई अ स्मॉल पोर्शन ऑफ़ योर इन्वेस्टमेंट शुड गो टू वर्ड्स दी कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक योर पोर्टफोलियो स्टेबल एंड एलोकेशन ऑफ रिस्क कैन बी डन बेटर राइट दिस इज़ माई ओपीनियन एंड आई स्टिल इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर बीस मुझे लगता है कि यहाँ पर अपर्चुनिटी बन रही है अभी यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है सिल्वर के ई में और गोल्ड के ई में तो आपको इन दोनों ही बीस को और या इन दोनों ही ई को अपने रडार पे रखना चाहिए इफ़ यू डू नॉट वांट टू बाय द निपॉन इंडिया ई यू कैन गो विद अदर बैंक्स ई और बीज एज वेल जैसा आपको पसंद आए बट आई डू बिलीव दैट गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स आर सस्टेनेबल एंड इट प्रोवाइड्स यू वेरी गुड ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो राइट और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है इफ़ आर गोइंग थ्रू द ई टी एफ पे और इट इट कैन ईजिली बी लिक्विडेटेड अगर आप आओगे अगर आप अपने सिल्वर ई टी एफ्स या गोल्ड ई टी एफ्स को सेल करना चाहोगे तो आप इजीली अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या डी मैट अकाउंट सेल कर सकते हैं दैट्स एट फॉर टुडे एंड आई बिलीव आई वॉजिबिल टू गिव यू गुड ओवर व्यू वाई आई बिलीव दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑन दी क्रक्स ऑफ जस्ट ब्रेकिंग आउट अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर विद य फ्रेंड्स एंड फैमिली और दैट्स इट है इन्वेस्टिंग